नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिष्या मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप अपना कंप्यूटर निदेशक भर्ती 2022 के फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेटा लिख से फिल कर पाओगे ताकि आपके फॉर्म के अंदर किसी प्रकार की गलती ना रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की डिटेल पे आ गया हूँ। स्टेप के अंदर तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे फिल करनी है, स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म की फिलअप के बारे में जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख लीजिए, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर अपने सेकेंडरी क्लास या टेंथ क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपके अंदर टेंथ क्लास के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट के नाम आपको इस तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपके सब्जेक्ट है इस तरह से आपको सभी जिस सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आप सब्जेक्ट के नाम फिल नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर आल सब्जेक्ट फिल कर देना है। आपको यहाँ पर इस तरह से आल सब्जेक्ट फिल कर देना है। आल सब्जेक्ट फिल करने के बाद में आपने टेंथ क्लास कौन से बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जिस भी बोर्ड से आपने टेंथ क्लास पास की थी उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है और टेंथ क्लास के अंदर आपके क्या रोल नंबर थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जिस प्रकार से मैंने आपको अपने रोल नंबर फिल किए हैं उस प्रकार से आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। आपका रिजल्ट कौन सा था, जी जी पे में था, ग्रेड में था या परसेंटेज में था, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज में था मैं परसेंटेज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार आपको टेंथ क्लास में आपने कौन से ईयर के अंदर उत्तीर्ण की थी, पास की थी, वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और टेंथ क्लास के अंदर आपके कितने परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट डिटेल में आ जाना है। यहाँ पर आपको अपने सेकेंडरी की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। सेकेंडरी के अंदर आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको इस तरह से यहाँ पर फिल कर देने, जो भी सब्जेक्ट हो आपके यहाँ पर फिल कर देने हैं। इस तरह से आपको सीनियर सेकेंडरी के सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर देने। सीनियर सेकेंडरी आपने कौन से बोर्ड से की थी उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपने सेम बोर्ड से की थी तो आपको कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना है। सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपके क्या रोल नंबर थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने। आपका परिणाम सीजीपी में था, परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सीनियर सेकेंडरी आपने तो कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है और सीनियर सेकेंडरी में आपके कितने परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर वो परसेंटेज आपको इस तरह से फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट आ जाना है आपको थर्ड नंबर को। आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में किया है तो आपको बीएससी इन कंप्यूटर साइंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह किया है तो आप कंप्यूटर साइंस में किया है तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया है तो आपको बीसीए सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपने पीजीडीसीए किया हो तो आपको यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होगी। तो मैं यहाँ पर पीजीडीसी के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद में आपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट में किया है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मैंने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यहाँ पर फिल कर दिए हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल करने के बाद में आपने ग्रेजुएशन कौन से बोर्ड से की है, उस कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जिस यूनिवर्सिटी से भी की है आपको उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देने, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। फिर ग्रेजुएशन का जो आपका परिणाम था उसी जीपी में था, परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और आपने कौन से बोर्ड कौन से ईयर के अंदर की है वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको ग्रेजुएशन के अंदर कितने परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको फर्स्ट डिटेल के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ ए लेवल या पीजीडीसी दोनों में से आपको क्या कौन सा सब्जेक्ट क्या हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने पीजीडीसी कौन से सब्जेक्ट से किए हुए हैं उस भी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। आपके पीजीडीसी में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपके ए लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आपको सबसे पहले उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। फिर यहाँ पर आपको फिल करना होगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। आपने जो पीजीडीसी किया है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है या आपने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या आपने MDSU से किया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको इस तरह से यहाँ पर फिल कर देना होगा। तो यहाँ पर मैंने MDSU में से किया तो मैंने इस तरह से यहाँ पर फिल कर दिया। तो आपके रोल नंबर क्या थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने हैं। सबसे पहले आपको फिर आपको परिणाम रिजल्ट में आ जाना है। रिजल्ट के बाद में आपने सीजीपी में रिजल्ट आया था, ग्रेड में था, परसेंटेज में, या अभी तक आपका पीजीडीसी का रिजल्ट नहीं आया तो आप यहाँ पर अपीयरिंग या अवेटेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, आप अभी तक पासिंग नहीं हुए हो तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग पर क्लिक कर देना है। लेकिन आपका इसका एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, तब तक आपके पास यह डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास आ जाना चाहिए। तो आगे की जो ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। बट मेरा यहाँ पर रिजल्ट आ गया है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं परसेंटेज में रिजल्ट आया तो आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है और आपने कौन से ईयर के अंदर ये डिप्लोमा किया है वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके कितने परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। इस प्रकार से आपके ये परसेंटेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर नीचे आ जाना है स्क्रॉल करते हुए। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विपमेंट को डिप्लोमा किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसी तरह से हम डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर नीचे आ जाना है।
नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि आपने किसी भी परीक्षा के अंदर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए आप एग्जाम से बाहर किए गए हो, प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर किए गए हो, तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। नो करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के कॉलम पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट के कॉलम पर पूरी डिटेल, यहाँ पर संपूर्ण डिटेल आपको फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट के कॉलम पर फिल कर देना है और आगे की डिटेल आपको फिल करनी है। तो आज मुझे आपको ये जानकारी देने की कि आप कंप्यूटर से भर्ती 2022 के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर कैसे फिल कर पाओगे, ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेता है कि आपको सभी सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।